ये अंतिम है जो कि आपके ऑफिशियल एग्जामिनेशन में आएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर। तो इसके बारे में आज हम आपको ये चार क्वेश्चंस बताएंगे, आप ओपन कर लीजिए। और पहला लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि लोकतंत्र है, यानी कि आज तीनों के वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, यानी वीडियो में नाम करके भी डाला गया है, आप वीडियो भी देखेंगे और वीडियो में लेसन को पढ़ाया गया अच्छी तरह से, और लेसन उसको भी वीडियो को भी देखेंगे, प्लस अपनी किताब के द्वारा भी आप अपने को पढ़ने का प्रयास अच्छी तरीके से करें और जो क्वेश्चन दिए गए उसको लिखें। तो आइए आप अपनी ओपन करिए और पहला लेसन कंप्लीट करें। इसमें आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसके बारे में ओपन करेंगे। पहले लोकतंत्र की उत्पत्ति का नगर क्या था? एथेंस था। लोकतंत्र की उत्पत्ति का नगर एथेंस था। और दूसरे में आते हैं आंग सान सू की यहाँ के लोकतांत्रिक आंदोलन की एक नेता थी, तो वहाँ की थी वो भी म्यांमार की। तीसरे फ्रेंच समाज के दूसरे स्टेट में सम्मिलित थे, कौन थे? किसान उम्मीदवार पुजारी की महिला, तो उसमें पुजारी वर्ग के लोग सम्मिलित। चौथा मध्य रूप में हस्ताक्षर किए गए थे आदमी और नागरिक अधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, मध्य रूप में आदमी और नागरिक अधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में अब आ जाइए। लोकतंत्र का लक्ष्य समानता और धर्मनिरपेक्षता को प्राप्त करना। लोकतंत्र का लक्ष्य क्या था? समानता और धर्मनिरपेक्षता को प्राप्त करना। दूसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यही सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तीसरा है अस्पृश्यता समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए कानून भी बना दिया गया है जिसके अंतर्गत लोगों को सजा भी दी जाती है, तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। चौथा है म्यांमार में लोकतंत्र के लिए मुहिम के लिए जनरल विन ने शुरू किया था, यानी मुहिम का नेतृत्व लोकतंत्र की स्थापना के लिए म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनरल विन ने ये नेतृत्व उसका शुरू किया था। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, तो यह ट्रू है, सही है। सामाजिक मतभेद तानाशाही की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह भी सही है। सामाजिक मतभेद कब होते हैं? जबकि तानाशाही होते हैं, तो ये सत्य है। राजा रामदास राय एक तानाशाह थे, गलत है, वे एक समाज सुधारक थे। अमेरिका में अश्वेतों को कई भेदभाव का सामना करना पड़ता था, सही है, क्योंकि काले गुरु की भेदभावना की बात जो है वो वहीं प्रसन्न हुई थी, तो यह भी सत्य है। मिलान में आते हैं मार्टिन लूथर किंग यह जो है अमेरिका के थे, महात्मा गांधी जो कि भारत के थे, लोकतंत्र जो है वह समानता और धर्मनिरपेक्षता है, आंग सान सू की म्यांमार। फिर से बार हम रिपीट करते हैं आपके लिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह अमेरिका से मैच करेंगे, महात्मा गांधी भारत से मैच करेंगे, लोकतंत्र जो है समानता और धर्मनिरपेक्षता से मैच करेंगे, आंग सान सू की म्यांमार से मैच करेंगे। अब आते हैं आपके लेसन सेकेंड के लिए, लेकिन लेसन सेकेंड में लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, तो इस क्वेश्चन में आएंगे पहला, आप लेसन खोल लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके क्या है, जैसे निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव की विशेषता है? क्या है? मतदान, सार्वभौमिक वैध मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये सभी, तो सभी, क्योंकि हमारे भारत में मुक्त मतदान होते हैं, सीक्रेट होते हैं और इडल के चर्चेस भी हैं और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ठीक, तो ये सभी। दूसरा भारत निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है, तो एक आयोग एक सदस्य निकाय है, तो नहीं, ये तीन सदस्य निकाय है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ये तीन है, तो तीन होंगे। चुनाव आयोग क्या करता है? दलों के लिए प्रचार करता है, उनमें से कोई कार्य नहीं करता है, तो चुनाव आयोजित कराता है, मतदाताओं को सजा देता है, इन चारों पॉइंट में से क्या देता है इसका होगा कि चुनाव प्रचार नहीं करता है बल्कि वह चुनाव आयोजित करवाता है। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोजित करवाता है। भारत में राजनीतिक प्रणाली क्या है? राजनीतिक प्रणाली एक दलीय है कि दो दलीय है कि तीन दलीय है, तो इसमें से हमारे भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यही इसका आंसर सही होगा। तो भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में बहुदलीय प्रणाली, यानी कि एक दल नहीं होते, भारत में कई दलें हैं, कई पार्टियां हैं, तो
बात कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह असत्य है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में केवल दो राजनीतिक दल होते हैं, नहीं, यह असत्य है। बहुदलीय प्रणाली होती है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में ईवीएम क्या है, का अर्थ क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका फॉर्म है। एक दूसरा है एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम नीतियों के लिए लिखित बयान को मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। और निर्वाचन आयोग जो है तीसरा है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा, राजनीतिक दल मीडिया के माध्यम से प्रचार और प्रसार को प्रभावित करते हैं और जनता को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं मैचिंग, यानी राष्ट्रीय दल देश भर में उपस्थित है। ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। राजनीतिक दल घोषणा पत्र और कॉपी पर इसको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें।